ऑक्टोपस के पैर। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो समुंदर के अंदर शिप्पी शंख होते हैं वो भी खाए जा सकते हैं? ये भाई क्रैम्प है, उबला हुआ, सिर्फ सब उबली हुई चीजें हैं ये। जो तू खाएगी मैं तेरे को खिलाऊंगा, बता क्या खाएगी। भाई यहाँ ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए मैं इस मार्केट में घूम। ये भाई फ्रूट है, ये दीदियाँ फ्रूट बेच रही हैं। तो गाइस कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ थाईलैंड की, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी, यानी कि थाईलैंड का खाना। थाईलैंड में कैसी कैसी चीजें खाने के लिए मिलती है वो शायद आप थोड़ा गेस कर पाओगे कि फिश मिलती होंगी, मछली, मीट, ये सब मिलता होगा। मैं प्योर वेजिटेरियन बंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा, सिर्फ एक ही मार्केट में दिखाऊंगा कि तुम कहोगे भाई साहब वाह, ये भी पॉसिबल है। क्या बोलती है? बिल्कुल खतरनाक। तो पहले देख ली है, हम देख चुके हैं। क्या पता तुम्हारे मुंह में पानी भी आ जाए देख के। हो सकता है किसी के मुंह में पानी आ जाए देखने के बाद। तो वो सामने एक मॉल के बाहर ही ये है, यहाँ मैं जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ थाईलैंड की खाने की बढ़िया बढ़िया डिशेस। तो पूरा व्लॉग देखना भाई, बढ़िया चीजें मिलेगी, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। चलो मार्केट के अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है मार्केट और स्वीटी करेगी ये मार्केट एक्सप्लोर आप सबके लिए। क्या बोलती है भाई? तो देखो ये यहाँ का फेमस फ्रूट जिसका नाम है, क्या नाम था स्वीटी, इसका नाम भूल गया मैं, ड्यूरन, ड्यूरन ये इसका नाम, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये होता है, और ये इस फ्रूट की खास बात है, मैंने खाया नहीं है बट ये ना बहुत चिपचिपा होता है, और हर थाईलैंड में जितने भी होटल मिलेंगे ना 90% 95% होटल में लिखा होगा कि ये बैन, अगर ये खाओगे तो 5000 बाट यानी 12000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है, और ये नॉर्मल फ्रूट है, और ये यहाँ की लीची टाइप है, तो जबरदस्त है। ये रोज एप्पल है, ये पता नहीं इंडिया में मिलते हैं, गुआवा नॉर्मल चीज है। मेन चीजें दिखाएंगे आगे। तो ये गन्ने का जूस यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरह से, और ये है यहाँ की फेमस डिशेस कुछ, देख सकते हो दिस इज गन्ने का जूस, 250 रुपए का है वो, जो अपने यहाँ 10 का मिलता है। और ये देखो भाई, ये पोर्क वगैरह है, यानी कि सुअर है ये भाई। और ये भाई देखो, ये कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, ये समोसा तो है, लेकिन समोसा देखो कौन सा, चिकन पोटैटो ऑनियन फ्राइड चीज, चीज बॉल। ये पैर है भाई, ये लेग्स है, फ्राइड स्ट्रिम, पता नहीं क्या होता है। ये झींगे देखो, इनकी आईज भी दिख रही होंगी, ये भी झींगे है, ये सब झींगे। स्मेल मेरे को इतनी बुरी आ रही है मैं बता नहीं सकता, मुझे इतनी बुरी स्मेल आ रही है मैं बता नहीं सकता, बट आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये चीजें। और ये देखो अनार का जूस मिल रहा है यहाँ पे। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो समुंदर के अंदर शिप्पी शंख होते हैं वो भी खाए जा सकते हैं? ये देखो भाई, ये शंख है जो यहाँ मिलते हैं, ये भी शंख है, ये सब समुंदर में जो शंख होते हैं वो है। और ये देखो भाई 350 बाट की, ये केकड़ा है, क्रैब। ये भाई क्रैम्प है, उबला हुआ, सिर्फ सब उबली हुई चीजें हैं ये देखो, दिस इज ऑल क्रैम्प फिशेस। कैसा लगा सूटी, खाएगी बता मेरी तरफ से, जो तू खाएगी मैं तेरे को खिलाऊंगा, बता क्या खाएगी। ये अगेन शंख, तो वो तो होंगे यार, उनको ही तो उबाल के खाते हैं तोड़ के। ये देखो भाई, ये ऑक्टोपस के पैर, ऑक्टोपस के पैर, ये छोटे वाले ऑक्टोपस नूडल्स, ऑक्टोपस की नूडल्स बनाई हुई है। ये देखो भाई लाल मिर्ची, खाना चाहोगे? ये यहाँ पे ऑक्टोपस मिल रहे हैं, देखो ये फोटो देख के आपको समझ आ गया होगा ये वाली, कि यहाँ ऑक्टोपस मिल रहे हैं। और ये चौमिन में भी ऑक्टोपस वगैरह है सब में, देखो अलग अलग चीजें यहाँ पे, यमी यमी लिखा भी है, यमी यमी। वो देखा तूने शंख, वहां पे जाओ उस वाले में, देख लिए? तो भाई सारे ऐसी ऐसी चीजें कि तुम नहीं खा सकते भाई, इंडियन बंदा देख रहा होगा व्लॉग वो नहीं खा सकता, यहाँ का बंदा देख रहा होगा खा लेगा। अब ये देखो कुछ बन रहा है, ये भाई साहब बना रहे हैं कुछ तेजी में। भाई यहाँ ना सांस लेना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए मैं इस मार्केट में घुसा हूँ, वरना मैं इस मार्केट में कभी नहीं घुसता अगर मेरे को ब्लॉग नहीं बनाना होता तो। तू घुसती इस मार्केट में, घुसते तुरंत निकल जाते, वो तो ब्लॉग बनाना इसलिए आ गए। मैगी भाई, केकड़े वाली मैगी, ये देखो ये केकड़े हैं, केकड़े वाली मैगी, क्रैम, केकड़े, ये कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है, ऐसे घूम घूम के ठंडी करते हैं लोग कोल्ड ड्रिंक को, ताकि बिल्कुल चिल्ड हो जाए। ये देखो क्रैम, इनके साथ साथ इन्होंने ऐसा सांस रोक के ब्लॉग बना रहा हूँ भगवान के दम। ये देखो अलग अलग चीजें यहाँ पे भी, ये मोमोज मिले थाईलैंड में आज इतने दिन बाद दिखे, सुशी सुशी, ये सुशी है, वो मोमोज है। ये भाई फ्रूट है, ये दीदियाँ फ्रूट बेच रही हैं, ये भी फ्रूट है,
अच्छा एक चीज और बता दो, जो जितनी भी मैंने चीजें दिखाई है ना, ये चीजें ना यहाँ पे काफी सस्ती मिलती है खाने के लिए। जैसे अपने यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रीट पे जाके आदमी अपना 15-20 रुपए में छोले कुलचे खा के पेट भर लेता है, तो ये भी कुछ इसी तरह की बहुत सस्ते में मिलती है चीजें, 20 बाट 50 बाट है ना, मतलब 50-100 रुपए में बढ़िया। तो अच्छे से जाता होगा। लेकिन अगर बात है वेज फूड की, भाई वो बहुत महंगा मिलता है। कि अगर एक रोटी भी खानी है तो तुम्हें मिलेगी 100 रुपए 70 रुपए 80 रुपए, 100 रुपए तो मान के चलो भाई मिलेगी ही मिलेगी, अगर ढंग की जगह खा रहे हो तो। बेकार जगह खा रहे हो तो भी 50-60 रुपए की तो मिलेगी ही मिलेगी। सब्जी की बात करें 700-800 रुपए 500 रुपए दाल लेनी है तो ऐसा मिलता है। लेकिन इनका जो फूड है भाई बहुत सस्ता मिलता है, मतलब आदमी पेट भर सकता है। अब जैसे मैं बात करूं बर्गर किंग की, यहाँ पे बर्गर किंग में वेजिटेरियन बर्गर मिलता है, वो भी सिर्फ एक 350-350 बाट का था शायद से, मतलब 800 रुपए के आसपास का बर्गर था बर्गर किंग में, जो अपने यहाँ 50-60 रुपए का मिलता है, 700-800 रुपए का। लेकिन अगर तुम्हें नॉन वेज वाले बर्गर खाने हैं तो भाई 150 रुपए में पड़ रहा था इंडियन रुपीज में, 150 से भी कम में। तो इंडियन फूड या वेजिटेरियन फूड काफी महंगा मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत सस्ता मिलता है, पेट भर के खा सकते हो अगर खाते हो तो। चीजें मैंने दिखा दी है, ये सब चीजें मिलती है भाई नॉन वेज में जो तुम खा सकते हो। अगेन मैं थोड़ी और चीजें दिखा देता हूँ, ये ड्राई मैंगोज हैं, ये ड्राई क्या बोलते हैं स्ट्रॉबेरी है, ड्राई स्ट्रॉबेरी है, देखो सुखा रखी है ये आम सुखा रखे हैं, ये टॉफीज वगैरह है। मुझे कुछ भी खाते हो डर लगता है कि भाई कुछ नॉन वेज ना हो, बहुत पढ़ पढ़ के खाना पड़ता है। तो बाकी कैसी लगी आपको ये मार्केट कमेंट करके जरूर बताना। कुछ और जानना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना बकलोल वीडियो। थाईलैंड की कुछ भी जानकारी लेनी हो जो मैंने मतलब देखी है चीजें उससे रिलेटेड मैं तुम्हें बता सकता हूँ, हाँ ये चीज है ये है, मैं कहाँ कहाँ गया उसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो भाई इसी ने भी एक्सप्लोर करा, ये नॉन वेज खाता है, बता तेरे को क्या क्या सही लगा यहाँ पे, थोड़ा ये कवर करेगा। शेल देख के शंख देख के जी खराब हो गया। अच्छा और मैंने एक चीज बड़ी अच्छी लगी, क्या ये गट्टू के लिए पाड़ थाई कुछ ऐसा कुछ था वो, तूने पाड़ थाई खाया है? तूने खाया पाड़ थाई? मैंने तो खाया नहीं। चल अब तो चले या फिर इसको कोई पाड़ मार देता होगा, फिर इसको कोई पाड़ मार देता होगा।